हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन इंटीग्रेशन तो हमें ये इंटीग्रल बताना है इसका वैल्यू क्या आएगा स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इसका जो वैल्यू है वो क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी ये आता है तो अब देखो हमारे इंटीग्रल को एक बार के लिए हम आई बोल लेते हैं तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट टेन एक्स प्लस दिया आई का वैल्यू देखो यहां से क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ यहां पे हम क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ टेन एक्स को लिखा जा सकता है साइन एक्स अपॉन में कॉशेक्स प्लस में रूट ऑफ कॉटेक्स को लिखा जा सकता है कॉशेक्स अपॉन में साइन एक्स और यहां पर क्या है डीएक्स है तो अब लेते हैं अंदर सिंप्लीफाई करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अंदर एल्सियम लेने पे क्या आ जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई में कॉसेक्स और पहले यहां पे देखो रूट साइन एक्स रूट साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो साइनएक्स बन जाएगा प्लस में रूट कॉसेक्स रूट कॉशेक्स से मल्टीप्लाई होगा तो कॉशेक्स बन जाएगा और यहां पे क्या है हमारे पास में डीएक्स है अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इंटीग्रेशन है और यहां पर रूट टू मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस में कॉसेक्स और अपॉन में यहां पे अंदर क्या बन जाएगा देखो रूट टू अंदर जाएगा ना तो टू साइन एक्स कॉस एक्स हो गया अब टू साइन एक्स कॉस एक्स हम जानते हैं साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है तो देखो फर्दर ये आई का वैल्यू क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन रूट टू मल्टीप्लाई में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स और यहां पर डीएक्स है अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ साइन टू एक्स हो गया अब ऐसा होने पर क्या होगा हम एक सब्सिट्यूशन करेंगे लेट लेट जो साइन एक्स माइनस कॉसेक्स का वैल्यू है उसको बोल देते हैं एक बार के लिए टी तो दोनों तरफ अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या है माइनस साइन एक्स तो यहां पे प्लस का साइन एक्स बन जाएगा और डीएक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा तो अब देखो साइन एक्स प्लस कॉसेक्स डीएक्स ये तो न्यूमरेटर वाला वैल्यू है इसकी जगह पे डी टी रख देंगे ठीक है और अगर हमें निकालना है यहां से यहां से किसका वैल्यू अगर हम एक बार के लिए लिखना चाहें वन माइनस टी स्क्वायर तो देखो वो क्या आएगा वन माइनस में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इसको निकाल लेते देखो वन माइनस अंदर होल स्क्वायर ओपन किया तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में टू साइन एक्स कॉस एक्स बनेगा जो कि साइन टू एक्स ही होता है अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो वन हो गया ना तो वन माइनस वन जीरो बनेगा और माइनस ऑफ माइनस साइन टू एक्स प्लस का साइन टू एक्स हो जाएगा ये ठीक है यानी हम क्या बोल सकते और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इसका वैल्यू क्या है डी टी अपन में रूट ऑफ वन माइनस टी स्क् रूट टू तो, तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन में टी स्क्वायर हो गया अब इसका जो फॉर्मूला है वो हमने की में लिख दिया है तो रूट टू ये हो गया साइन इनवर्स और यहां पे टी का वैल्यू अगेन रख देंगे जो कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है और प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा तो हमारा रिक्वायर्ड जो इंटीग्रल है उसका वैल्यू ये हो जाएगा ठीक है आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन बेस्ट ऑफ लक